हेलो फ्रेंड, महाकाल टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके प्रॉफिट का बात करने वाले हैं। मतलब आपके प्रॉफिट का बात यह है कि अगर आप मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट अगर आप शॉप करते हैं या फिर ऑनलाइन लेते हैं और अगर रिव्यू देख कर लेते हैं, तो आज के बाद हम आपको बता रहे हैं कि रिव्यू से आप नहीं ले। क्योंकि रिव्यू, अगर आप रिव्यू से लेना चाहते हैं तो ऐसे क्रिएटर का देखें जिसका व्यू कम आ रहा है, 2000, 1000, 500 आ रहा है, उसका अगर आप रिव्यू देखते हैं तो वो क्या होता है, ओरिजिनल जो मोबाइल या फिर कोई गैजेट लेते हैं, ऐसी फ्रिज कूलर कुछ भी लेते हैं, साइकिल गाड़ी आप कुछ भी लेते हैं, अगर आप लेते हैं तो वो क्या होता है, रियल जो होता है वो बताता है, क्योंकि उसको स्पॉन्सर नहीं होता है। स्पॉन्सर वाले क्या करते हैं, उसको एक लिस्ट बना के दिया जाता है कि हाँ आपको ये बोलना है, मेरे गैजेट के बारे में ये बताना है। मतलब जो उसका नेगेटिव है उसको छुपा लिया जाता है, जो पॉजिटिविटी है उसको बताया जाता है, उसमें से भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। बड़े क्रिएटर जितने भी हैं, अगर वो किसी का गैजेट का अगर वो बता रहा है, किसी गैजेट के बारे में बता रहा है, तो ये गारंटी है कि उसको स्पॉन्सर मिला है, तभी वो उसका प्रचार कर रहा है, नहीं तो वो क्यों प्रचार करेगा किसी चीज का। आप किसी का मोबाइल है, जैसे ओप्पो है, वीवो है या फिर आईफोन है, उसका क्यों प्रचार करेगा वो उसका व्यू अगर मिलियन में आ रहा है तो क्यों वो चाहेगा कि 1 मिलियन प्रचार कर दें आईफोन का। तो ये क्या होता है कि आईफोन वाले उसको देते हैं एक गैजेट भी दे दिए, उसके साथ जो है काफी सारे अमाउंट देते हैं, जिस कारण से वो क्या होता है उसके पॉजिटिविटी के बारे में बताता, हाँ ये काफी अच्छा है। आप देखे होंगे कि 15,000 का मोबाइल आप जिस दिन लिए होंगे अगर किसी रिव्यू को देखकर, उसी के अगले दिन अगर कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ होगा तो सेम क्रिएटर बोल रहा होगा उससे ज्यादा बेटर है। तो आप उसी 15,000 के ही रेंज में अगर होगा तो भी बोलेगा कि जो कंपैरिजन कर देगा, आप जो गैजेट लिए थे उससे बेटर बता देगा। लेकिन आप वही सोचते होंगे कि अरे यार इससे बेटर था, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे बेटर हो, क्योंकि उसको स्पॉन्सर मिला रहता है तो बेटर बोलना पड़ता है उसको। इसीलिए आप जब भी मोबाइल शॉप पर जाएं तो सबसे पहले आप खुद उसका एक्सपीरियंस करें, या फिर आपके कोई फ्रेंड अगर चला रहा है उस कैटेगरी का मोबाइल तो उससे पूछें, उससे एक्सपीरियंस लें कि हाँ ये गैजेट कैसा है नहीं है। किसी को अगर आपके गांव या फिर आपके शहर या फिर आपके रिलेशन में कोई भी हो जिसको उस गैजेट के बारे में पता हो तो उससे अच्छा से पूछ लें, क्योंकि रिव्यू देखकर आप ना लें। मेरे ख्याल से मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, जिस मोबाइल से हम अभी शूट कर रहे हैं, जिस चीज से हम शूट कर रहे हैं वो गैजेट है, हमने रिव्यू देख कर लिया था, मगर आज प्रॉब्लम है कि उस गैजेट में क्या प्रॉब्लम है आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कि कैमरे में जो कैमरा ऑन करते हैं खुद ब खुद कभी कभी बैक कर देता है, दूसरा ये है कि हीटिंग पावर इतना हीट होता है, इतना हीट होता है कि अगर हम 20 मिनट मोबाइल चला लें, 30 मिनट रेगुलर अगर चार्जिंग में है, अगर 20 मिनट आप चला लेते हैं तो गारंटी देते हैं आप पैकेट में नहीं भर सकते, इतना हीट होता है। तो हीटिंग पावर बहुत ज्यादा, इसका हीट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये सारे खामियां है। लेकिन रिव्यू में इतना कुछ बताया गया था कि ये गेमिंग के लिए है, ये हीट नहीं होगा, आप कितना भी यूज कीजिए हीट नहीं होगा, फिर भी इतना हीट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि रिव्यू में क्या है, रिव्यू क्यों किया जाता है। रिव्यू सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है, रिव्यू इसलिए नहीं किया जाता है कि आपको एक अच्छा गैजेट मिल जाए। हाँ अगर आपको रिव्यू देखना है तो मेरे ख्याल से आपको उसी चैनल पे जाके देखना है जिसका व्यू 1000, 2000, 5000 तक आ रहा है, उसी का देखिए, क्योंकि उसको स्पॉन्सर नहीं मिलता है, वो जो है खरीद के लाता है या फिर किसी फ्रेंड ने खरीदा तो उसका रिव्यू करते हैं, तो वो रियल रिव्यू होता है। जो रियल रिव्यू होता है उसी को देख के आप लें, ये नहीं कि आप बड़े क्रिएटर जितने भी मोबाइल के देख सकते हैं रोज प्रतिदिन वो कोई ना कोई मोबाइल का रिव्यू करते हैं, तो कहां से आता भाई, इतने मोबाइल खरीदने के पैसे कहां से आते हैं उसके पास। उसे दिया जाता है, कंपनी द्वारा दिया जाता है ताकि वो रिव्यू करे और रिव्यू करके आपको बताए, सिर्फ आपको जो लिस्ट में दिया जाता है वही बताया जाता है, आपको उसके जो उसके नेगेटिविटी है उसको छुपा लिया जाता है और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी बताया जाता है, उसमें से भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसीलिए जब भी आप मोबाइल शॉप पर जाएं या फिर कोई भी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदें तो रिव्यू देखकर ना खरीदें, मेरा यही रहेगा राय। उसके बाद आप चाहें तो खरीद सकते हैं, मैं रोक नहीं सकता आपको। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें कि आप क्या इस तरह से गैजेट कोई लिए और आप भी इसी तरह से ठगे गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसे भी टेक से संबंधित सारे जानकारी मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।